जी जनाब वेलकम बैक। अनाया आ चुकी हैं राइजिंग पाकिस्तान में और लेकर आई हैं मेरे लिए सात पहेलियां। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अनाया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम्हारा हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये सेट भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज। सेट भी लग रहा है ना खूबसूरत, कितने देखो हमने जानवर ले आए यहाँ पे, है ना? हमने कहा सिर्फ इंसान नहीं होने चाहिए राइजिंग पाकिस्तान में, बहुत से जानवर भी होने चाहिए। अच्छा जी, क्या है आज का सीन? आज तो मैं पहेलियां लेके आई हूं। पहेलियां लेके आई हो, तैयार हो जाए तासीक अंकल, सीन बहुत ही कठिन होने वाला है। और इस दफा कोई मार्क्स नहीं है, पास ही पास है। पास ही पास ये नहीं, ऐसे इतनी अच्छी तुम फराख दिल हो नहीं सकती, इसमें भी कुछ ट्रिक होगी। मुझे नहीं 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 पास है। सही बताओ। नहीं कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे फेल करती हो या मैं पास हो जाता हूँ। कोशिश करने में हर्ज नहीं। आज आप पास होंगे। आज पास होंगे तो खैर, एक मार्क भी मिला, पास हैं आप। चलो भाई, आज तो बहुत ही फराख दिल है अनाया। लेट्स सी। अच्छा जी, कंट्रोल रूम, पहली पहेली आवेजा की जाए स्क्रीन पर। व्हाट बिलोंग्स टू यू बट अदर्स यूज इट मोर देन। व्हाट बिलोंग्स टू यू बट अदर्स यूज इट मोर देन यू डू। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो है तो आपकी लेकिन उसको इस्तेमाल दूसरे ज्यादा करते हैं लोग? आई थिंक आपका नाम। सही, सही जवाब। ओ वेरी गुड। और नेम, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम तौसीक है लेकिन मुझसे ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जब मुझे, क्योंकि हम तो अपने आप को थोड़ी बुलाते हैं ना, लोग बुलाते हैं। एग्जैक्टली तौसीक अंकल, आज आपका दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ, आज आपने पहली पहेली पूछ ली। अच्छा जी, अगली पहेली क्या है? What has five fingers but not a living? किसकी पांच? क्या मतलब? जिसकी पांच फिंगर्स है लेकिन वो हिल नहीं सकता, ना ही कोई बात कर सकता है। वो जानदार नहीं है, जानदार लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है लेकिन उसकी पांच उंगली है। दस्ताना, ग्लव। सही वाकई। ओह यस, ग्लव्स। ये तो आज आप अच्छे कर रहे हैं। आज मैं बहुत सही जा रहा हूँ भाई। वेरी गुड वेरी गुड, आज तो बहुत अच्छा दिन चढ़ा है मेरे लिए। अच्छा जी, आगे क्या है? नंबर थ्री। आई हैव सिटीज बट नो हाउसेज, आई हैव माउंटेन्स बट नो ट्रीज, आई हैव वाटर बट नो फिश, व्हाट एम आई? अच्छा, मेरे शहर है लेकिन मेरे उसमें घर नहीं है, पहाड़ है लेकिन दरख्त नहीं है, वॉट पानी है लेकिन कोई मछली नहीं है, लेकिन मछली नहीं है तो मैं क्या हूं? एक सेकंड, ये मुश्किल है। पानी नहीं है, पानी है लेकिन उसमें फिश नहीं है, माउंटेन है लेकिन ट्रीज नहीं है, घर है लेकिन शहर है लेकिन घर नहीं है, क्या चीज हो? दोबारा जरा स्लाइड दिखाना, उसमें कुछ ट्रिक होगी जो दिखाना जरा। सुधीर, आई हैव सिटीज बट नो हाउसेज, आई हैव माउंटेन्स बट नो ट्रीज, I have water but no fish. What am I? नहीं, बिल्कुल फंस गया। तुक्का लगा लिया। नहीं, तुक्का भी नहीं आ रहा ज़हन में, मतलब बिल्कुल ही ब्लैंक है। अच्छा बताओ क्या जवाब है इसका? A map. 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 Oh, नक्शा, a map. Yes. Yes, yes, yes. नक्शे में सब कुछ होता है, लेकिन शहर भी है, घर नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है। वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, अच्छा सवाल था। चलो भाई, तौसीक अंकल के दो जवाब दुरुस्त हुए और एक नहीं हुआ। अब चल के देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है, पहेली क्या है। व्हाट इंग्लिश वर्ड हैज थ्री कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स? मतलब कि डबल लेटर्स किस इंग्लिश वर्ड में? वर्ड में, वर्ड वर्ड है। अंग्रेजी का एक ऐसा लफ्ज है जिसमें डबल लेटर्स आते हैं कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली जी, तीन दफा आते हैं, यानी डबल ओ भी आएगा, डबल ई भी आ सकता आ सकता है, डबल वी आ सकता है जी। ooh. जैसे डबल जी आता है पिज्जा में, जैसे बुक में डबल ओ आता है, ऐसे। ये तो है भाई, वो जो आजकल वो जो बड़ा वायरल हुआ है ना, जस्ट लाइक अ वाओ, उसमें जो वाओ है ना, उसमें वाओ, डबल डब्ल्यू, डबल ए, डबल ओ। अच्छा नहीं भाई, ये तो संजीदा सा बड़ा सीरियस सवाल हो गया है। ऐसा कौन सा अंग्रेजी का लफ्ज है जिसमें डबल लेटर्स तीन दफा आते हैं? जी, डबल लेटर्स तीन दफा, ऐसा है कोई लफ्ज?
जी अनाया तुमने तो नहीं बनाया कोई नया अपनी तरफ से इजाद कर लिया? नहीं 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 को ये देखे नहीं नहीं तो ऐसे कंकल ही होता है ऐसे? नहीं 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 ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असल में है, असल में है। लोग हिंट दे रहे हो, ये एक जॉब है। नहीं ये एक जॉब है जी, एक जॉब है। फंस गया, नहीं हार गया। आंसर इज बुककीपर। बुककीपर जी, बुककीपर। ओ डबल के डबल ओ, बिल्कुल सही, वाओ बुककीपर। और ये जॉब भी है? ये जॉब भी है जी। और इसका काम क्या होता है जरा ये भी बताइए फिर। आई थिंक बुक्स के टेक केयर करना, लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरीज में जो बुककीपर्स होते हैं, या एक हॉबीस्ट भी हो सकता है एक प्रोफेशन के साथ साथ, रीडिंग है ना, रीडिंग के अलावा सिर्फ किताबें संभाल के रखना और लोगों को इम्प्रेस करना, मेरे पास इतनी सारी किताबें बीच में से पढ़ी शायद आधी भी ना हो एक भी ना पढ़ी हो एग्जैक्टली बुककीपर अच्छा लफ्ज़ है, बहुत से लोगों के लिए नया लफ्ज़ है। थैंक यू अनाया, आपने इतना मजे का लफ्ज़ हमें इंट्रोड्यूस कराया, बुककीपर डबल ओ डबल के डबल ई, वेरी गुड। अच्छा जी, अब तो मेरा ख्याल है क्या स्कोर हो गया उस्मान मेरा, दो सही हुए दो गलत हुए, ओके दो सही, चार स्लाइड्स होगी और चार होगी तीन रह गई और टाइम भी सुधीर अंकल कह रहे हैं कि कम है, जरा जल्दी जल्दी चलेंगे जी। आई कम फ्रॉम अ माइंड एंड गेट सराउंडेड बाय वर्ड ऑलवेज, एवरीवन यूजेस मी, व्हाट एम आई। अच्छा मुझे माइंड से यानी कान से निकाला जाता है, माइंड से निकाला जाता है, जो माइंड्स होती हैं और मेरे इर्द गिर्द दरख्त होते हैं और सारे मुझे इस्तेमाल करते हैं, सब मुझे इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज हो? नमक? नहीं। हाँ गेस करें दोबारा। आई डोंट नो, दरख्त मेरे इर्द गिर्द होते हैं, दरख्त के अंदर कोई ट्रिक है, दरख्त के अंदर कुछ है, ठहरो ठहरो ठहरो, कुछ ना कुछ ना तो है अनाया कहती कुछ ना तो है अच्छा कुछ ना तो है अनाया कुछ ना तो है यार, ये मेरा तुम्हारा गाना बन गया, 1 2 3 4 कुछ ना तो है अनाया कुछ ना तो है हार गया। पेंसिल लेड, उसके बाद जो स्टार्टिंग पे होती है ना लेड, वो जिससे लिखते हैं, जो सिक्का होता है पेंसिल का सिक्का, बिल्कुल सही, इर्द गिर्द उसके वुड होती है, हर कोई उससे इस्तेमाल करता है और वो का, वेरी गुड भाई। आज जो बहुत ही मुश्किल सवाल आ गए, सिर्फ दो सवाल जवाब मेरे अभी तक दुरुस्त हुए लेकिन बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छी पहेलियां जी। अगली पहेली दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रोल रूम 8 8 पे आया। अच्छा जी, पर्ल व्हाइट चेस्ट विदाउट की और लिड इनसाइड ऑफ व्हिच गोल्डन ट्रेजर इज हिड, मैं क्या चीज हूं? ओए होए होए, तो बहुत ही, पहले तो अंग्रेजी मेरे समझ नहीं पाएगी, वो पाई दोबारा स्क्रीन पे तो अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई अनाया की अम्मी की। अच्छा ठहरो जी, मैंने खुद बनाई, खुद बनाई है? नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है आज अम्मी की कोई हेल्प ली है। नहीं नहीं, मैंने किसी की हेल्प ही नहीं आज। वेरी गुड, पर्ल व्हाइट चेस्ट विदाउट की इनसाइड व्हिच गोल्डन, मतलब शाइनी सी सफेद चेस्ट है और उसमें मतलब कोई चाबी इस्तेमाल नहीं होती और उसके ऊपर कोई ढक्कन भी नहीं है। ये वो तो नहीं है सिपियां जो होती हैं जिनके अंदर मोती होता है? सिपियां क्या होती हैं? सिपियां क्या होती हैं? देखा, अब मेरी पहेली, अब आज अनाया को मैंने भी जैसे कहते हैं ना हरा दिया। सिपियां क्या होती हैं? चलें, ये अब आपकी असाइनमेंट है। नहीं वो आए उसमें कैंडल रखते हैं और वो फिर उसको जलाते हैं। नहीं, सीपियां होती हैं जो समंदर से निकलती हैं और उनके अंदर गौहरे नायाब होता है, गौहर शेल्स। शेल्स, ठीक है जी। उर्दू में नहीं पता था, उर्दू में नहीं पता था, तो तुम मुझे अंग्रेजी सिखाती हो, मैं तुम्हें उर्दू सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सीपियां इसका जवाब है शेल्स? नहीं, गलत गलत। अच्छा क्या जवाब है? अंडे। अंडे अनाया जी, इतना आसान था और ये मुझे आना चाहिए था। यस यू आर राइट, लेकिन जो तुमने अंग्रेजी लिखी थी ना वो इतनी कॉमन कैरी वाली थी कि मेरे ऊपर से गुजर गई। अच्छा जी, मेरा ख्याल एक पहेली रहती है या हो गई फंसा। इफ यू फीड इट इट लिव्स, इफ यू वाटर इट इट डाइज। अगर आप इसे कुछ खिलाएंगे
तो ये जिंदा रहेगा और अगर इसे पानी पिलाएंगे या पानी देंगे तो ये मर जाएगा। अरे ये क्या है, ये क्या ये वाली बहुत मजे की रिडल है। अगर कुछ खिलाएंगे तो ये जिंदा रहेगा, अगर पानी देंगे या पानी पिलाएंगे तो ये मर जाएगा। आग, फायर। करेक्ट, करेक्ट। शुक्र है इज्जत रहेगी। एक तो मैंने और सही जवाब दिया। थ्री आउट ऑफ सेवन। आउट ऑफ सेवन हो गए आप। मैं नहीं पास नहीं हुआ। पास हुए आप। अच्छा जी, 33% तो नहीं वैसे ज्यादा, परसेंटेज निकालो भी ज्यादा बनती है मेरा ख्याल है ना, कोई 44% मेरे नंबर जी तो पास हो गया। पास हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच अनाया, बहुत मजे की रिडल्स थी, थोड़ी मुश्किल भी थी लेकिन मैंने एंजॉय बहुत किया और बहुत कुछ सीखा। आपने हमें बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आने वाले दिनों में कि भाई आपके, या आज ही बताएं कि आपकी कितनी साथ में से सही थी, सच सच बताना है ठीक है, कि किसी की साथ के साथ भी सही हुई या नहीं, और तो बड़ी इनक्रेडिबल बात होगी। अनाया हाई फाइव हो जाए, जबरदस्त, वेरी गुड। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज राबेल भी हैं, अफजल जदून साहब भी आ रहे हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट बाय द वे, उनसे आप कोई सवाल करना चाहें तो हम व्हाट्सएप नंबर पे हमना और उनकी फोर मेंबर टीम आपके क्वेश्चंस का इंतजार कर रही है। कानून से जुड़े हुए आपका अगर कोई मशवरा है, मुफ्त में आप इतने बड़े लॉयर से मशवरा लेना चाहते हैं जदून साहब से, तो ज़रूर हमें वो सवाल, लेकिन अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर लिखकर भेजें। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जरा गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।